स्किन वाइटनिंग एंड ब्यूटीफुल स्किन मेजर कंसर्न होता है हर वुमन के लिए। इसे पाने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। व्हाइट इट टेक्स सो मच ऑफ प्रेशर जब आप खुद ही होम रेमेडीज से अच्छी गोरी स्किन पा सकते हो। और इस ब्यूटीफुल स्किन वाइटनिंग होम रेमेडी का सीक्रेट है मसूर दाल, या आप इसे लेंटल्स भी कह सकते हैं। मसूर दाल के कई सारे बेनिफिट्स हैं। मैं इस वीडियो में आपको मसूर दाल क्रीम के होम रेमेडीज के बारे में बोलूंगी। अगर आपको ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई एक क्रीम चूज कर सकते हैं। एक वीक में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिख जाएंगे। मसूर दाल क्रीम फॉर ड्राई स्किन। मसूर दाल को ओवरनाइट सोक कर लें एंड नेक्स्ट डे ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अच्छे से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें। एंड देन इस पेस्ट के साथ आप हाफ टी स्पून ऑफ आलमंड ऑयल, 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल को ऐड कर लें। अच्छे से कंबाइन कर लें इन 3 इंग्रेडिएंट्स को और इस क्रीम को आप रोज नाइट क्रीम के जैसे यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि रॉ एलोवेरा को ना लें, सिर्फ एलोवेरा जेल यूज करें। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वाओ स्किन साइंस से एलोवेरा जेल को लें, इससे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। आलमंड ऑयल से हेल्दी ग्लोई स्किन मिलती है और ड्राई स्किन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। एलोवेरा जेल हेल्प करता है क्रीम में बेटर कंसिस्टेंसी के लिए। सिर्फ उतना ही नहीं, व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, एलोवेरा सबसे टॉप स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। एलोवेरा को सदियों से यूज़ किया जा रहा है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। एलोवेरा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई स्किन पे भी इफेक्टिव तरीके से काम करता है। अगर आप एलोवेरा के बारे में जानना चाहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप एलोवेरा को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, तो ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो डाल दिए, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मसूर दाल क्रीम फॉर ऑयली स्किन। अगेन, मसूर दाल को ओवरनाइट भिगने दें और नेक्स्ट डे इसका पेस्ट बना लें किसी ग्राइंडर में। अच्छे से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें और फिर उस पेस्ट के साथ 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल, इन तीनों को अच्छे से कंबाइन करें और रात में सोने से पहले रोज लगाएं। आप इसे 7 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और ऑयल कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मसूर दाल को नेचर का ब्लीचिंग एजेंट भी कहा जाता है। अगर आप अपने रेगुलर स्किन केयर इंग्रेडिएंट में इसे यूज़ करेंगे तो आप नोटिसेबल क्लियर, स्मूथ और रेडिएंट स्किन दिखेगी आपको। मसूर दाल क्रीम फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। मसूर दाल को ओवरनाइट सोक कर लें और फिर अच्छे से पेस्ट बना लें ग्राइंडर में एंड देन अच्छे से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें। फिर उस मसूर दाल के पेस्ट से 2 टीस्पून ऑफ क्यूकुम्बर जूस और 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा, इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करें, अच्छे से कंबाइन करें। क्यूकुम्बर जूस में सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है। आप रोज़ सोने से पहले इस क्रीम को लगाकर सो जाएं, आप विजिबल रिजल्ट्स 1 वीक में देख पाएंगे। मसूर दाल क्रीम फॉर सेंसिटिव स्किन। मसूर दाल को ओवरनाइट सोक करें और नेक्स्ट डे इसका पेस्ट बना लें एंड देन उसे स्ट्रेनर में अच्छे से स्ट्रेन कर लें। देन मसूर दाल के एक्सट्रैक्ट के साथ ऐड करें 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा, 1 टीस्पून ऑफ क्यूकुम्बर जूस एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रोज वाटर। अच्छे से इन चारों इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर लें। रोज वाटर बैलेंस करता है स्किन के नेचुरल ऑयल को। रोज वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। डीप स्किन लेयर्स तक स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स पेनिट्रेट करने में हेल्प भी करता है। Did you know masoor dal is packed with vitamin C, iron, calcium, vitamin B6 और magnesium? Amazing natural home remedy है जो हर skin problems को solve करता है, जैसे beach tan, signs of aging, acne, rough skin या फिर pigmentation. Masoor dal is the solution for all your skin problems. मसूर दाल क्रीम को आप नाइट क्रीम के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इन क्रीम्स को आप 7 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर यूज़ कर सकते हैं। इस नाइट क्रीम से आप 7 दिन के अंदर विजिबल रिजल्ट्स देख पाएंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट मसूर दाल क्रीम्स फॉर योर स्किन टाइप्स। मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जाना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी।